कोरोना संक्रमण के इंदौर जिले में लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में कोरोना आंकड़ों को लेकर बड़ा हेरफेर का आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि याचिका सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी द्वारा दायर की गई है। साथ ही उनका कहना है कि शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते आम जनता को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिड़ियाघर में मूंगफली फेंकते हैं या खाते हैं तो वो हाथ आगे बढ़ाता है, मूंगफली फेंक दो तो वो खा लेते हैं, आप खोपड़ी खुजा लो तो वो भी खोपड़ी खुजालता है। तो हमारा देश जो है दुनिया की केवल नकल करता है, अकल लगाने का हमने बंद कर दिया दरवाजा, इसलिए दुनिया डूब रही है तो हम भी डूबते जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएँ जो है मल्टीनेशनल इकोनॉमी का जो पार्ट है उसने ये पैदा किया है। आज भी यदि मौत हमारे यहाँ कम हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सामान्य जीवन जीते, चाहे जो खाते हैं, चाहे जो से जीते हैं, चाहे जो पीते हैं, तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस दुनिया के लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए बीमार होने के बाद भी हम मरे नहीं हैं, मरने में हम दुनिया में पीछे, लेकिन बीमारी में आज की तारीख में जो रोज़ नए संक्रमित हो रहे हैं उसका 30% हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, जबकि जनसंख्या में हम कुल 17%। ब्यूरो रिपोर्ट, जेसा टाइम्स, इंदौर।